रामभद्राचार्य महाराज जी ने कहा है वो तो मेरा कान पकड़ने का भी अधिकार रखते हैं, पकड़ते भी। उनकी निराशा को मैं समझता हूं। मेरे मन में ऐसी खिन्नता नहीं आती होगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं हर बार समझाता हूं कि देखो भाई, सनातन धर्म के विजय का काल आया है। जो भी होगा उस विजय को पुष्ट करने वाला ही घटने वाला है। हमारा कर्तव्य है हम ठीक विवेक से ठीक दिशा में अपने मन वचन कृति को संचालित करें। संघ ये करने की मनस्थिति में है, संघ ये करेगा, भव्य राम मंदिर बनाने के प्रयास को संपूर्ण बल संघ देगा और देश की दिशा भी इस उपक्रम में भटक न जाए इसको देखेगा। और इसलिए आने वाले इन 4-6 महीने का ये महत्व ध्यान में रखकर हमको अपने कार्यक्रम को सोचना चाहिए, अपनी मांग को कायम रखना चाहिए, उसके लिए जागरण करना चाहिए। मैं समझता हूं कि 4-6 महीने के इस उथल पुथल के पहले कुछ हो गया तो अच्छी बात है, उसके बाद वो जरूर होगा कि हम सब लोग मिलकर देखेंगे। और इसलिए जिन शब्दों में, जिस भावना से ये प्रस्ताव यहां पर आया है, एक प्रति मुझे मिली, मैंने पढ़ा, उस प्रस्ताव का मुझे कहा नहीं है अनुमोदन करने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उस प्रस्ताव का संघ के सरसंघचालक के नाते मैं संपूर्ण अनुमोदन करता हूं।